हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का थर्ड डे है वायनाड में। आज हम लौट जाएंगे बैंगलोर, बैक टू अवर लाइफ, बैक टू हसल। एंड कल हम लोग थोड़ा शाम को खेलने गए थे रिसोर्ट में, तो सोनाली को थोड़ी चोट आ गई है, क्योंकि मैंने तो हम क्रिकेट खेल रहे थे और उसको थोड़ा बॉल लग गया और उसमें उसको चोट आ गई। बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड। आज अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं एंड विल गो फॉर ब्रेकफास्ट 9 AM। देन मे बी उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे अराउंड 11:30 टुवर्ड्स आवर होम बैंगलोर। आज का वेदर भी यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी यहाँ पे क्लाउडी है। बारिश हो रहा होगा यहाँ पर, क्लाउड्स दिख रहा है। फिर मिलते हैं। ओके और डिड यू स्लीप वेल? तो ये रख दो यहाँ पे, क्यों? व्हाई आर यू स्पॉइलिंग दिस? व्हाई आर यू टियरिंग इट अपार्ट? No, don't throw it here and there. Go and throw it in the dustbin. तो ये रहा सुबह का व्यू, देखिए अर्ली मॉर्निंग, पूरा क्लाउड्स, जैसा लग रहा है कि क्लाउड के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत मिस करेंगे इस प्लेस को, क्योंकि आज हम लोग को वापस जाना है बैंगलोर, वही घिसा पिटा जिंदगी और वही सुबह उठना, ऑफिस जाना, वही सब कुछ सेम चीज़। पता नहीं नेक्स्ट फिर से कब घूमने जाने वाले हैं। तो ये छोटा सा जो ट्रिप था बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत मज़े किए, हम लोग एक सो कॉल्ड फैमिली टाइम बिताए। और ये रिसोर्ट, ये प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। सो देखते हैं नेक्स्ट टाइम, और एक बार आने की बहुत इच्छा रही क्योंकि वो डोम रूम में थोड़ा रहने की बहुत मन है, बहुत खूबसूरत है एक सेंस। तो देखते हैं कभी एक बार ऐसे ही आ जाएंगे। तो चलिए अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, कुछ देर में ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद थोड़ा पैकिंग भी करनी है, उसके बाद फटाफट निकलेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी पहुंचना भी है, क्योंकि कल से स्कूल, ऑफिस, सब कुछ वही सेम लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा रिलैक्स किए, अभी फिर से रिचार्ज होके वापस चलते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हाथ में चोट लग गया है, तो ऑफिस का भी थोड़ा काम था वो कर लिए और अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के। चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट लिए और अभी बज रहा है 10:45 और हम लोग अभी निकल रहे हैं और बगी आ चुका है। देख सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी बगी में हैं सामान लेके और रिसेप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाड़ी में सामान रख के फिर चेकआउट करके फिर निकल पड़ेंगे। तो आज का जर्नी रहेगा वायनाड से बैंगलोर तक, और कैसे हम लोग पहुँचेंगे, क्या करेंगे, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो कभी भी अगर आप लोग वायनाड आते हो और वापस बैंगलोर जाते हो, तो आप लोगों को बहुत सारा सजेशंस मिल सकता है, शायद मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर दूँ। तो चलिए आज के व्लॉग के साथ बने रहते हैं और जल्दी जल्दी चेकआउट करते हैं।
देखा हम लोग रिसोर्ट से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं घर के तरफ, और देखते हैं आज कैसे जाते हैं, कितना टाइम लगेगा। 5 hours 32 minutes शो कर रहा है 4:32, तो बीच में तो लंच वगैरह होगा, हॉल्ट है थोड़ा बहुत, तो 5:30 तक पहुंच जाएंगे शायद, है ना। तो यहाँ बहुत एंजॉय किए, ये स्टे बहुत अच्छा लगा, खाना भी काफ़ी अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है खाने को लेके, तो फिर से आने का मन है। वो एक्चुअली वो डोम स्टे करने का बहुत मन है एक बार, तो देखते हैं कब प्लान करते हैं फिर से। टिल देन सी यू अगेन वायनाड। तो हम लोग अभी सुल्तान बेकरी का मार्केट क्रॉस किए, काफ़ी विशाल मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, और ज्वेलरी का शॉप बहुत सारा है, गोल्ड, और काफ़ी सारे बड़े बड़े साड़ी का दुकान है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, किड्स शॉप, टॉय शॉप्स, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड एरिया। हम लोग बाहर निकल रहे हैं सुल्तान बेकरी के, और शायद वो गुंडुरपेट का रास्ता पकड़ेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं मैसूर की तरफ, उसके बाद बैंगलोर। ये बारिश आज सुबह से हो रहा है, कल का वेदर अच्छा था, हम लोग अच्छे से स्विमिंग वगैरह कर लिए, मज़े किए, बाहर भी गए थे, लेकिन आज सुबह से, कल तो सारा रात बारिश हुआ और आज सुबह से पूरा देखिए झिझी झिझी हो ही रहा है, ड्रिजलिंग। आसाम जैसा वेदर है, इट सीम्स एज पर अभिजीत, है ना। आसाम में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही बारिश होता है, अभी ऐसा मौसम बारिश के दिनों में, ऐसे मानसून में कंटिन्यूअस रेनिंग, असम में भी बहुत बारिश होता है मानसून के टाइम, और वहाँ भी इतना ही ग्रीनरी है, यहाँ ग्रीनरी इतना ज़्यादा है ना, मतलब कंक्रीट्स बहुत कम है। फ्लड रहता है असम में तो, और यहाँ का घर भी थोड़ा आसाम डिजाइन का है, जैसे स्लैंटिंग बिकॉज ऑफ रेन आई थिंक। देखो कुछ कुछ टीन का, एस्बेस्टस, वो टाली का, ईंट का, वैसे बना हुआ है। तो चलिए हम लोग मैसूर यहाँ से दिखा रहे हैं 113 गुंडुरपेट 54, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए पूरा डियर, ब्यूटीफुल, तो वी आर एंटरिंग नाउ कर्नाटका, केरला इज डन, बाय बाय, वेलकम टू कर्नाटका, आवर स्टेट, आवर होम। सो ये देखिए बंदीपुर, वी आर एंटरिंग बंदीपुर नाउ, तो अभी एंटर कर रहे हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसका एंट्री 20 rupees देके एंट्री होगी, और अभी देखते हैं आज कुछ हाथी वाथी मिलता है कि नहीं।
नजर रखो इधर उधर सब पे। तो जंगल खत्म मतलब हो गया ट्रिप एंड, और फिर वही सेम लाइफ पे वापस जाना है डेली रूटीन। अभी थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बारिश भी स्टार्ट हो गई है। आज वेदर ऐसा ही है बहुत ही। अभी तो वेदर ऐसा रहेगा। हाँ अभी तो मानसून है और सावन महीना भी आ रहा है। तो जंगल से बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग मेन रोड पे हैं और यहाँ से अभी वो टर्निंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम लोग वायनाड के लिए एक टर्न लिया था। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि खाने की जगह, क्योंकि जोरों से भूख लग गई है। बड़ा सा जगह मिला आशीर्वाद ग्रैंड प्योर वेज। काफ़ी भीड़ भी है देखिए, मेन रोड के ऊपर ही है इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। जगह काफ़ी नीट एंड क्लीन है और फटाफट ऑर्डर भी आ चुका है। हम लोग जो किए थे, हम लोग ने किए हैं अभी प्लेन राइस, पनीर लबाबदार और उसके साथ है दाल फ्राई और एक ब्लैक पेपर पनीर चिली, वो भी काफ़ी टेस्टी था। तो हम लोग ने वो रोड छोड़ के गुंडूरपेट वाला रोड अभी बैंगलोर वाला रोड पे आ चुके हैं। मैसूर आउटर रिंग रोड है। हाँ मैसूर आउटर रिंग रोड। और देखिए बारिश हो ही जा रहा है कंटिन्यूस। यहाँ पे एक हिल है तो हम लोग खाना अच्छी तरीके से खाए, काफ़ी अच्छा था वो दुकान। तो हाईवे में ऐसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स देखने को मिल जाती हैं और आज ये लैंडस्केप बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए पूरा क्लाउड है ऊपर, आई थिंक आगे जाके बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों ज़ोरों से, और इधर उधर पहाड़, बीच में से रास्ता, हाई स्पीड में गाड़ी सब जा रही है। और एक बार ऐसे फंसे थे हम लोग सडनली, लाइक हम लोग आंध्रा के तरफ बढ़ रहे थे और कोलकाता जाने के टाइम, तो उस टाइम क्या हुआ ऐसे सडनली लाइक कुछ लैंडस्केप बदलती है ना रोड ट्रिप में, तो थोड़ा सा एरिया में इतना ज़ोर से बारिश आ गया पूरा ज़ीरो विजिबिलिटी हो गया था, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो हम लोग का पहला रोड ट्रिप, मतलब इतना दूर हम लोग जा रहे थे कोलकाता, तो हम लोग पहले बैंगलोर से विजयवाड़ा जा रहे थे उस दिन, तो एकदम सनी था पूरा सुंदर था, सडनली क्या हुआ इतना ज़ोर से बारिश आ गया, मतलब मुझे आज उसका ही याद आ रहा है, वो उस दिन भी ऐसा ही दिख रहा था स्काई। तो देखते हैं चलिए। जोरों शोरों से बारिश हो रहा है। अरे पास पास क्यों घूम रहे हैं? अरे बाप रे मैसूर हाईवे में बहुत ज्यादा बारिश है। अरे वाइपर भी डांस करना स्टार्ट हो गया है जोर से बारिश। क्या वेदर है वाह, बैंगलोर में लग रहा है बहुत जोरों शोरों से। Hey
ये देखिए कितना बारिश हो रहा है, पूरा विजिबिलिटी जीरो है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इतना इतना पानी जम गया है तो पूरा एकदम ग्लास के ऊपर आके गिर रहा है। देखिए इतना बारिश हो रहा है, बेंगलोर में क्या हो गया आपसे, बेंगलोर में भी बारिश हो रहा होगा ना। अरे बाप रे, बहुत लंबा स्ट्रेच है बारिश का, पूरा स्पीड इतना कम गया, जहाँ 100 किलोमीटर में चल रहा था हमें 65 में चल रहा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए पापा जल्दी चलो। अरे 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 ये देखिए पूरा पानी है, बहुत ही भयंकर जोरों से बारिश आ गया था उस एरिया पे और ये काफ़ी एक लंबा स्ट्रेच था और आप लोगों ने देखे कि कैसे पानी मतलब दोनों साइड में जमा हो चुका है। अगर आप साइड से जा रहे हो तो पानी पूरा आपके ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी पूरा ज़ीरो। तो हम लोग अभी मैसूर हाईवे छोड़ के नाइस रोड आ गए, तो यहाँ भी वैसे ही बारिश बहुत जोर से बारिश हो रहा है, आई थिंक आज बैंगलोर में ही बहुत ज़्यादा बारिश है। अब देख सकते हैं बारिश की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लग रहा है कि आज पूरा बारिश होगा, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी एकदम माइनस पर जा रहा है। तो फाइनली नाइस रोड छोड़ के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रास्ते में आ चुके हैं और बस और कुछ मिनट और हम लोग पहुंच जाएंगे घर, अनदर 20 मिनट्स to 25 मिनट्स अंदर का रास्ते से हम लोग जाएंगे। तो बारिश यहाँ पे हो चुका है तो चलिए बेहतर है कि एटलीस्ट अभी बारिश नहीं हो रहा है, तो फटाफट चलते हैं। तो गुड इवनिंग, हम लोग पहुंच गए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लिए और अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। और ये कप बहुत स्पेशल है, ये मैंने ली है जहाँ पे हम लोग लंच किए थे, उसके बगल में एक छोटा सा शॉप था वहाँ मैं ये ली हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आया, कुर्ग लिखा हुआ है, छोटा छोटा सा दो क्यूट सा डियर है, तो मैंने दो कप्स उठा लिए, एक मेरे और मेरे अभिजीत के, और अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। तो चलिए आज का व्लॉग चाय पीते पीते यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए आइडिया के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माइंड बटर, आप लोग ऐसे बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अगर मेरी वीडियोस आपको सही में पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।